आज केजरीवाल के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, प्रचंड प्रदर्शन है वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में। आज जिस प्रकार इनके लोगों ने भ्रष्टाचार की एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड बनाया, तीसरा नंबर केजरीवाल का है। भ्रष्टाचारी सीएम को दिल्ली से हटाना है, इसको जेल भेजना है। अभी हम लोग दिल्ली के आईटीओ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड तोड़ने के लिए जा रहे हैं। इससे कुछ ही दूरी पे आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग भी बैरिकेड तोड़ने के लिए उतारू हो चुके हैं। इनके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कह दिया है कि हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और बैरिकेड तोड़ेंगे। हालांकि यहाँ पे पुलिस की गाड़ी मौजूद है, आपको हम दिखाएंगे। कैमरा पर्सन आप इधर दिखाइए, आप देखिए यहाँ पे बैरिकेड तोड़ने जैसा माहौल बन चुका। जल्दी आओ, आगे बढ़ो। ये देखिए आप देख सकते हैं कि सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ के आगे जा चुके हैं, और अभी तक पुलिस जो है यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अभी तक कुछ हरकत में अभी नहीं आई है दिल्ली पुलिस। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के सारे कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं और सारे लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पे आम आदमी पार्टी का कार्यालय है और वहाँ पूरे चारों ओर से बैरिकेड लगा हुआ है। आपको हम दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे। उधर दिखाओ। ये देखिए आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कितने भारी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये महिला भी है, महिला के हाथ में पोस्टर है और सारे लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ है और ये लोग बैरिकेड तक पहुँच चुके हैं। हम लोग आपको पूरी विजुअल्स दिखाएंगे, पूरी वीडियो में आप बने रहिए कि किस तरह से, देख लीजिए इन लोगों को। यहाँ आइए, जल्दी आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है बीजेपी के कार्यकर्ता उस पार जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा है। क्या कहेंगे आप, बोलिए क्या कहेंगे? केजरीवाल चोर है, गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं मिसाल, और छोड़ने वाले नहीं। इस भ्रष्टाचारी केजरीवाल को भगाएंगे और क्या जेल भेजेंगे इसको। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रचंड प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी के। आज सैकड़ों कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में उतरे हैं, और जिस प्रकार अगला नंबर केजरीवाल का है, तो देख सकते हैं लगातार जो है इनको डिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस है। कैमरा पर्सन आपको विजुअल्स दिखाएंगे। हम लोग आपको बैरिकेड के उस पार जाके दिखाने की कोशिश करेंगे कि बैरिकेड के उस पार से कैसा नजारा है। आप एक बार पहले यहाँ से देखते रहिए। ये देखिए बैरिकेड के इस पार का नजारा, और बैरिकेड के उस पार जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। यहाँ पे देखिए सीआरपीएफ वाले, पुलिस, दिल्ली पुलिस और महिला सीआरपीएफ वाली सब मौजूद है यहाँ पे, और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं इधर इस पार आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पूरी फोर्स मौजूद है, दिल्ली पुलिस भी मौजूद है, तो अभी तक कोई इस पार, ये लोग नारे लगा रहे हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन आप इधर आइए। रिक्वेस्ट किया जाता है, क्या
क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आज? केजरीवाल के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, प्रचंड प्रदर्शन है वीरेंद्र सचदेव जी के नेतृत्व में। आज जिस प्रकार इनके लोगों ने भ्रष्टाचार की एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड बनाया, तीसरा नंबर केजरीवाल का है, उसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी अब नेशनल पार्टी बन चुकी है, आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए आप लोग भाई इनके सारे लोग है भ्रष्टाचार में जेल में है, और हम तीसरा नंबर केजरीवाल का है, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रचंड प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। होने तो आएंगे नरेंद्र मोदी 2024 में आएंगे मोदी। आप देख सकते हैं कि ये बैरिकेड पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इनका हौसला इतना बुलंद है कि ये कह रहे हैं आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे। हालांकि आप इस वीडियो में बने रहिए, देखिए लगातार हम आपको विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए कितने तमाम भारी तादाद में यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और ये लोग बैरिकेड पार करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जवान यहाँ पे मौजूद है, आप देखिए, हम आपको और लेके चल रहे हैं, देखिए उधर आपको विजुअल दिखाएंगे, आप देखिए यहाँ देखिए डिटेन करना पड़ेगा, ऐसे जो है उधर से पुलिस देखिए आप ये विजुअल दिखाइए। ये देखिए आप डिटेन, ये इधर गिर गए हैं, क्या कहें, देखिए इनको डिटेन, केजरीवाल इस भ्रष्टाचारी सीएम को दिल्ली से हटाना है, इसको जेल भेजना है। बीजेपी चोर है, बीजेपी जैसी पार्टी इस देश, केजरीवाल भ्रष्ट आदमी है, चोर है, इसको जेल में भेज रहा है। सड़कों पर संघर्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में, बीजेपी ने बहुत काम किया है, धारा 370 से लेकर राम मंदिर से लेकर बहुत काम हुए, केजरीवाल चोर है। लेकिन विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं कि मोदी अडानी भाई भाई, केजरीवाल चोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। तो देख सकते हैं कि लगातार डिटेन किया जा रहा है लोगों को, इनको डिटेन करके ले जाया गया है। आप तस्वीरें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, जब इनसे सवाल किया जा रहा है तो ये जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम आपको लगातार लोगों को दिखाएंगे कि कितने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस भी अपनी हरकत में आ चुकी है। ये देखिए बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बैरिकेड को उठा दिया गया है, बैरिकेड को, पूरी दिल्ली पुलिस यहाँ पे मौजूद है, पूरी फोर्स यहाँ पे मौजूद है। लेकिन देखिए आप तमाम नजारे जो है आप देख सकते हैं कि पूरे बैरिकेड को उठा दिया गया है और दिल्ली पुलिस नाकाम नजर आ रही है। आप देख सकते हैं, आप देखिए पूरी विजुअल्स देख सकते हैं कि किस प्रकार से बीजेपी पार्टियां जो है उग्र हो चुकी है और अपना पूरा दम सम लगा के वो बैरिकेड को उखाड़ के फेंकने की कोशिश में जुटी हुई है। ये देखिए गेट क्या बोल रहे हैं, पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं, लोगों को बोल दिया गया है। देखिए ये पुलिस वाले हैं, ये कह रहे हैं कि आप लोग बैरिकेड छोड़ दो नहीं तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, वो लगातार बोले। लेकिन बैरिकेड को देखिए आप, बैरिकेड को किस तरीके से उछाल दिया गया है हवा में, लेकिन जो दिल्ली पुलिस है वो बार बार कह रही है कि आप लोग छोड़ दीजिए नहीं तो आप लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। आप लोग ये हरकत देख सकते हैं, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या एक को तो डिटेन कर लिया गया है, आप कितने लोग डिटेन होंगे, कब तक इन लोगों का ये सब चलेगा और क्या बीजेपी पार्टियां जो दावे कर रही है वो सही है, आप लोग पूरी राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।